हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अनबॉक्सिंग की रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने किचन के लिए मंगवाया हुआ था। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये वुड स्पून मैंने मंगवाया हुआ है। इससे पहले जो मैंने रिव्यू किया था वो नॉन स्टिक बर्तन का था, पैन और कढ़ाई वगैरह मैंने मंगवाया हुआ था, तो उसी के लिए मैंने ये परचेज किया है। तो आइए सबसे पहले मैं इसे ओपन करती हूँ। नॉनस्टिक बर्तन के लिए इस तरह का वुड स्पून बहुत जरूरी होता है। स्टील का हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खराब हो जाता है। तो देखिए, इसमें चार पीस दिया हुआ है। इससे पहले मैं इसकी प्राइस बता दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस है 146। 146 में मुझे चार पीस मिले हैं। ये सारे स्पून मुझे बहुत अच्छे लगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये देख लीजिए, ये स्पून दाल वगैरह निकालने के लिए है, सब्जी वगैरह आप इससे निकाल सकते हैं, चला सकते हैं। और ये जो इसकी गहराई बनी हुई है वो भी बहुत अच्छी है और इससे आराम से निकाला जा सकता है। बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं निकलेगा, पर हाँ आप निकाल सकते हैं, किसी भी बर्तन में इसे निकाल कर सर्व कर सकते हैं आप। और इसकी मोटाई देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी मजबूती है इसकी, जो कि नॉन स्टिक पैन में बहुत अच्छे से चलेगा ये। ये दूसरा पीस है, जिससे कि हम पकौड़ी वगैरह बना रहे हैं तो इसे आराम से निकाल सकते हैं, इसे छाना जा सकता है और सब्जी वगैरह भी बना सकते हैं। बट हाँ, इससे उसका ग्रेवी नहीं आएगा इसमें, आप अगर सब्जी को निकालते हैं तो, और अगर हम छानते हैं कुछ भी तो वो आ सकता है इसमें और इससे तेल जो है वो बाहर निकल सकता है। इसकी भी आप देख सकते हैं मजबूती अच्छी है। ये तीसरा पीस है, इसको हमारे यहाँ छोलनी बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट हमारे यहाँ इसे छोलनी ही कहते हैं। और इससे सब्जी वगैरह अच्छी तरह से आप चला सकते हैं इस तरह से। और बहुत सारे वुड के जो बर्तन होते हैं और छोलनी वगैरह होते हैं, वो मैंने देखा है वो इस तरीके से शार्प नहीं होते हैं। ये आगे का जो पोर्शन है ये बहुत पतला है और अच्छा है, इससे अच्छी तरह से आप उलट पलट सकते हैं। और जो मैंने रखा हुआ है वो तो यहाँ पे जो इसका कोरी है ये मोटा है, मतलब है उसका, ये इसका जो है ये बहुत अच्छा है, बस यहाँ से थोड़ा सा ये टेढ़ा है, थोड़ा सा तिरछा गया है, बाकी सब कुछ ठीक है। और इसकी चमक भी अच्छी है, ये थोड़ा सा पतला है पर हाँ इसकी मजबूती अच्छी है, क्योंकि इसके साथ जंग नहीं लड़ना है हमें, खाना ही बनाना है तो अच्छा है। और ये चौथा पीस है, इससे भी हम छान सकते हैं, सब्जी वगैरह चला सकते हैं, बट सब्जी निकाल नहीं सकते हैं, सूखी सब्जी है उसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी छानने का काम है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो होल हैं वो भी बड़े बड़े हैं, इससे भी अच्छा खासा तेल जो है वो बाहर नीचे इससे आ सकता है। और इसकी भी मजबूती अच्छी है और यहाँ से ये थोड़ा सा बैंड है, थोड़ा सा तिरछा बनाया हुआ है, क्योंकि बैंड रहेगा तभी तो निकल पाएगा। और सामने से देखें तो ये बैंड नहीं नज़र आ रहा है, बट पीछे साइड से ये थोड़ा सा बैंड है यहाँ से, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ये भी थोड़ा सा पतला है पर हाँ इसकी भी मजबूती अच्छी खासी है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे आप अगर इसे सिंगल लेने जाएं मार्केट में तो 45-50 रुपीज़ इसकी प्राइस पड़ जाती है, क्योंकि मैंने सिंगल लिया हुआ है तो मुझे पता है, पर ये सेट में मुझे 146 में मिला तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैंने इसे परचेज किया और सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूँ। तो इसकी
जो भी जानकारी है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसे फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, एकदम सामने से देख लीजिए, बहुत अच्छी है और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे ज़रूर यूज कीजिए, इसे अपने घर में मंगाइए और यूज करिए इसको। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।